नमस्कार, मैं मनु पवार। 24 साल हो गए हैं हमें अपने राज्य उत्तराखंड को हासिल किए हुए। हम पुरानी क्यों भूल जाते हैं कि ये संघर्षों से लड़कर लिया गया और अनेक बलिदानों से हासिल राज्य है। हम भी उन लाखों लोगों में शामिल रहे हैं जो कि 1994 के ऐतिहासिक और स्वतः स्फूर्त जन प्रतिरोध का हिस्सा रहे। लेकिन आज के हालात बड़े दुखी करते हैं और हर उस व्यक्ति को आहत करते होंगे जो कि 1994 के उस विराट जनसंघर्ष का हिस्सा रहा है। अफसोस इस बात का है कि हमारा अपना राज्य उत्तराखंड गाहे बगाहे उन वजहों से देश दुनिया में सुर्खियां बन रहा है, जिन वजहों पर किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा होना चाहिए, जो हमारे पहाड़ी समाज का मूल कैरेक्टर है ही नहीं। जैसे रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में हो रहा है, जहां कुछ गांवों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी और जुर्माने के प्रावधान को लेकर साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि मामला तूल पकड़ने और पुलिस की सख्ती के बाद उन साइन बोर्ड से गैर हिंदू शब्द हटा दिया गया है, लेकिन जिसका भी ये गेम प्लान था वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहा है, और वो है मैसेजिंग। मतलब वो जो संदेश पहुंचाना चाहते थे और जहां तक पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे साइन बोर्ड्स केदार घाटी के अलग अलग गांवों में लगाए गए। उनका साइज, उनकी भाषा भी एक, उनका डिजाइन भी एक, उनका कलर कॉम्बिनेशन भी एक, उनमें जो टेक्स्ट मतलब जो शब्द उनमें लिखे गए हैं उनका आकार भी एक जैसा है। ऐसा लग रहा है कि केदार घाटी में पूरे प्लैंड तरीके से एक कैंपेन की तरह इस साइन बोर्ड्स को लगाया गया। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर गैर हिंदुओं पर पाबंदी के ऐसे बोर्ड सिर्फ केदार घाटी में ही क्यों लगवाए गए? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक मंशा थी? क्या ये पहाड़ में एक नया राजनीतिक प्रयोग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुपचाप चुनावी बिसात बिछाई जा रही हो ऐसी नफरत कला? ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट इंद्रेश मैखुरी। इंद्रेश को सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो पहाड़ की एक विश्वसनीय आवाज है। वो उन चुनिंदा लोगों में हैं जो कि पहाड़ के हर जरूरी सवाल पर लगातार लड़ते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। तो इंद्रेश भाई, बहुत धन्यवाद। आप अभी झारखंड के धनबाद में हैं, एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का गवाह बने हैं और वहां भी आपने हमसे बात करने का समय निकाल लिया, इसके लिए आपका आभार, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इंद्रेश भाई, हम तो हर मंच पर जो है बड़े फक्र के साथ कहते रहे हैं कि हम वो समाज हैं जो जंगलों की रक्षा के लिए लड़ा है, जो नदियों को बचाने के लिए लड़ा है, जो नशाखोरी के खिलाफ लड़ा है, जो जिसने जो है पहाड़ के हर बुनियादी मुद्दे पर संघर्ष किया है, और उसी समाज के बीच से ऐसे साइन बोर्ड आ रहे हैं कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी है। ये कहां से कहां आ गए, हम क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक बहुत सुनियोजित तरीके से और सत्ता के संरक्षण में ये पूरा सांप्रदायिक अभियान चल रहा है, और इसी के चलते जिन गांव में ये साइन बोर्ड्स लगे हैं जिनका चर्चा हो रहा है, उन गांव के आसपास के इलाकों में पिछले 40 दिन से सड़क बंद है। तो सड़क के लिए कोई सड़क पर नहीं आ रहा है कि सड़क का रास्ता खुले। रोज इलाज के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। गर्भवती महिलाएं कई बार सड़क पर बच्चे को जन्म दे रही हैं, कई बार गर्भ देने उस प्रसव की प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो जा रही है। लेकिन रोजगार का सवाल, पहाड़ के सारे गांव के खाली होने का सवाल, ये ऐसे तमाम तत्वों को जो इस तरह के बोर्ड्स लगा रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, उनके लिए ये मसले ही नहीं है। और वो बोर्ड पर भी आप देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसमें लिखा है कि भाई गैर हिंदुओं, रोहिंग्याओं को। तो भाई कोई बताए, सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि कितने रोहिंग्या हैं जो गांव-गांव घूम रहे हैं,
कौन रोहिंग्या फेरी लगा रहा है, लेकिन उन्होंने एक तरह से मुसलमानों का पर्यायवाची रोहिंग्या शब्द को बना दिया है और उसी तरह से उसका इस्तेमाल, उस नाम का इस्तेमाल करते हैं, नफरत के प्रतीक के तौर पर उस नाम का प्रयोग हो रहा है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो सिर्फ कुछ गांव में बोर्ड लगने की नहीं है, बल्कि बात ये भी है कि अभी पुलिस के भीतर भी, कल मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई आपकी पुलिस के भीतर एक व्हाट्सएप ग्रुप है UK 1213 उत्तराखंड पुलिस, और उस ग्रुप में बहुत ही सांप्रदायिक किस्म के मैसेजेस भेजे गए, भयानक तरीके से अल्पसंख्यकों को गाली गलौज करते हुए मैसेजेस भेजे गए। तो एक तरह से जो जिस पुलिस से ये उम्मीद है कि वो निष्पक्षता के साथ और अल्पसंख्यकों की भी रक्षा करेगी किसी परिस्थिति में, तो वो पुलिस जब सांप्रदायिकता से ग्रस्त होगी, यानी कि सरकार प्रशासन उसका हर तबका और समाज भी इस जहर में व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित तरीके से डुबोया जा रहा है, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जिस जो षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है उसी षड्यंत्र का हिस्सा उत्तराखंड को भी बनाया जा रहा है। ये हमारे लिए दुखद है और हमारे लिए इसलिए भी दुखद है क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिनका नायक कौन है, जिनका नायक चंद्र सिंह गढ़वाली है, जो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में गोली चलाने से इनकार करता है मुसलमानों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर, और उसके लिए अपनी नौकरियां उन गढ़वाली सिपाहियों ने दांव पर लगाई, उन्होंने काला पानी भुगता। हम उस चंद्र सिंह गढ़वाली के वारिस हैं, हम तो वो लोग हैं जिनके यहाँ सैदवाली गाई जाती है, हमारे केशव अनुरागी उस सैदवाली को बड़े अच्छे से गाते हैं, आज भी सुनिए तो आप रोमांचित होते हैं उसको सुनकर के। तो हमारे यहाँ तो वो भी एक परंपरा रही है, लेकिन ये नई पौध जो पैदा की जा रही है, नई जहरीली फसल जो लगाई जा रही है, वो उत्तराखंड के लिए निश्चित ही तबाही का सबब बनेगी। तो आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, तो क्या ये सब मैन्युफैक्चर्ड है लगता है आपको? इसमें अधिकांश चीजें मैन्युफैक्चर्ड है और गुस्सा भी एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड तरीके से ही आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि तीन घटनाएं आसपास घटित हुई। एक घटना हुई कि सल्ट में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भागवत पूरा पर ही आरोप लगा कि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची का, जो बकरी चराने गई थी, उसके साथ दुष्कर्म की। दूसरी खबर आई कि नैनीताल जिले में दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे मुकेश बोरा, उन पर एक विधवा डेली वेजेस कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उस मुकेश बोरा ने उनके साथ जबरदस्ती की, बलात्कार किया, उनका अश्लील वीडियो बनाया, उनको जान से मारने की धमकी दी। और तीसरी घटना हुई कि घाट में, जिसको आजकल नंदा नगर कह रहे हैं, वहां एक लड़की को एक नाई ने अश्लील इशारे की। तो अश्लील इशारा करने की घटना पर पूरा घाट का बाजार एक तरह से वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, जबकि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरे घाट के बाजार में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, उनके धार्मिक स्थल पर भी तोड़फोड़ की गई और उसकी आड़ में आज के दिन तक भी अभियान जारी है। कल रुद्रप्रयाग में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भागवत बोरा के खिलाफ किसी तरह का प्रदर्शन नहीं है। भागवत बोरा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बड़ा वक्त लगा, मुकेश बोरा गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अभी तक भी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और उनके उनके खिलाफ किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि उनके समर्थन में महिलाओं को इकट्ठा करके कोतवाली लाया गया। तो बलात्कार की घटनाओं में महिलाओं को इकट्ठा करके कोतवाली ले जाया जाएगा और छेड़छाड़ की घटना पर पूरे एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। तो इससे साफ साफ है कि असल में तो आपको गुस्सा भी धर्म देख करके आता है, और इसमें इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी, वो भी धर्म देख करके आती है। घाट की घटना पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया की, लेकिन दूसरी तरफ भागवत बोरा के प्रकरण पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, मुकेश बोरा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, इस पर वो कुछ नहीं बोले। तो इससे बहुत साफ है कि बहुत सुनियोजित तरीके से ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल एक तरह से उन्माद पैदा करने के लिए किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आरोपी किसी भी धर्म का, उसको जेल जाना चाहिए, उसने अपराध किया है तो, लेकिन उसके लिए पूरे समुदाय को निशाना बनाना, उसके लिए खास घटनाओं को चिन्हित करना। और इसमें देखिए एक और बात है कि
जब रुद्रपुर में लगभग जिस समय आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता वाली घटना हुई उससे पहले ही ये घटना हो चुकी थी और उसके आसपास इसका खुलासा हुआ। 30 जुलाई को वो नर्स अपने घर वापस नहीं पहुंची रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली। 7 जुलाई को उसकी डेड बॉडी मिली, कंकाल मिला, और 31 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज हुई। 7 अगस्त को उसकी डेड बॉडी रुद्रपुर से लगते हुए डिबडिबा एक इलाका है बिलासपुर का, तो एकदम लगा हुआ है वहां, उसकी डेड बॉडी एक खुले ग्राउंड में मिली, और 14 अगस्त को पुलिस ने खुलासा किया। क्या इस प्रकरण में किसी ने धर्म की बात की? कोई धर्म की बात नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि नर्स का धर्म क्या था या आरोपी का धर्म क्या था। जो ISBT में जो घटना हुई, गैंग रेप की घटना जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, कैशियर सब इन्वॉल्व थे, उसमें भी किसी ने एक बात की कि क्या किसी आरोपी का धर्म क्या था, या फिर जिस बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ, गैंग रेप हुआ, उस पर किसी ने प्रतिक्रिया की? किसी ने धर्म की बात नहीं की। सबने, हम सब लोगों ने इस बात को उठाया, हम जानते थे किसका क्या धर्म है, लेकिन उसके बावजूद हमने किसी धर्म की बात नहीं की। लेकिन जैसे ही घाट वाली घटना हुई जिसमें छेड़छाड़ का मसला हुआ, तो वैसे ही हो गया कि भाई ये इस पूरे समुदाय को खदेड़ना है। तो एक तरह से अलग अलग एक ही तरह की घटनाओं में भी, जिसमें दूसरी घटनाएं जघन्य है, वहां प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं है, शून्य है, बल्कि वहां तो ये हो रहा है कि उस समय बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन करो तब, ताकि ये बात ज्यादा ना बने, लेकिन एक छोटी घटना में उसके लिए ज्यादा उत्तेजना, उन्माद, फर्जी SMS, फर्जी मैसेजेस सब कुछ किया जा रहा है, और यहाँ तक कि पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व हो जा रही है। तो मतलब जो सत्ताधारी दल के जो जो आरोपी कहीं इन्वॉल्व है किसी केस में, उनको मतलब बचाने के लिए ये पूरा एक जो है रचा जा रहा है इस तरह का, कि एक कृत्रिम गुस्सा या एक मैन्युफैक्चर्ड जो गुस्सा है वो रचा जा रहा है, ताकि वो आरोपी बच जाएं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाए, उन मसलों की तरफ ध्यान ही नहीं जाए, ये आप कह रहे हैं। अभी मैं निश्चित ही ऐसा है, वरना जो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने घाट की घटना पर प्रतिक्रिया की और वहां की घटना पर प्रतिक्रिया नहीं की, तो एक तरह से तो उन्माद को बढ़ाना भी है, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं पर जो इस तरह के प्रकरणों में फंसे हुए हैं उन पर से ध्यान हटाना भी। अभी ये जो साइन बोर्ड वाली घटना हुई, उस पर मैं एक BBC की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने कुछ लोगों के बयान लिए हैं जिसमें उनकी पृष्ठभूमि जो है RSS के बैकग्राउंड के पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है इस जरिए? निश्चित ही मैं तो इस बात को पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो ये पूरा घटनाक्रम जब जब होता है तब तब, इस बार ही नहीं, पिछले सालों भी जब भी हुआ लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी शब्दावली का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए और उसको वेरीफाई करके, उनके क्लेम को वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं। भारत सरकार कह चुकी है फरवरी 2021 में लोकसभा में कि उनके पास लव जिहाद के कोई मामले नहीं है, है ना। उत्तर प्रदेश में 2021 में ही कानपुर में लव जिहाद के 19 मामलों की जांच के लिए SIT बनी और अंततः पाया गया कि एक भी मामला लव जिहाद का नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्यमंत्री करते हैं जिनकी सरकार ने जमीनों की बेरोक टोक बिक्री का इंतजाम कर दिया, और वो कहते हैं लैंड जिहाद हो गया, जिनके नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ट्विटर पर उत्तराखंड की जमीनें बेच रहे हैं, BAPropertyWala.com के नाम से, BAPropertyWala के नाम से ट्विटर पर वो उत्तराखंड की जमीनों का सौदा कर रहे हैं। भाजपा का अपना जो कार्यालय बन रहा है उसको ADM देहरादून ने नोटिस दिया कि आपने सरकारी जमीन खुर्द बुर्द करके अपना राज्य कार्यालय बना रहे हैं, और जो जमीनों की ऐसी बिक्री करते हैं वहां मुख्यमंत्री कहते हैं लैंड जिहाद हो रहा है। तो सिस्टमेटिक तरीके से सत्ता के संरक्षण में सत्ताधारी दल से जुड़े हुए या उनके मातृ संगठन, उनके वैचारिक संगठन ये करते हैं, और उन्हीं का ये काम है, आम लोग इसको नहीं करते। हाँ। तो मतलब पूरा गेम ये है कि लोग जो है मुसलमानों के डर से उसमें बिजी रहे और इधर साहब बग्गा साहब जो है दिल्ली वाले जमीनें बेचते रहे हमारी, तो ये पूरा गेम इस तरह लग रहा है कि वो उस तरफ ध्यान ही ना जाए, दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान ही जाए। एक और दिलचस्प डेवलपमेंट में देख रहा था, इधर जो है रुद्रप्रयाग के गांवों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के जो बोर्ड लगते हैं, और उधर सरकार जो है, धामी साहब
ये कहते हैं कि जो है तुरंत फैसला लेते हैं कि वेरिफिकेशन होगा, मतलब तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीजों का कोई आपसी कनेक्शन है, मतलब वेरिफिकेशन जो है ड्राइव शुरू की जाती है 1 महीने की, तो कोई आपसी कनेक्शन ऐसा नजर आता है, तो क्या लगता है क्या ये सिर्फ संयोग है या ऐसा कुछ, मतलब पूरा जो है प्लान गेम चल रहा है, सरकार संगठन तमाम चीजें जो है मिलके एक कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल आपसी प्लानिंग के तहत ही ये तमाम चीजें हो रही हैं, और इसके बीच में असल में ये सब वेरिफिकेशन और ये सब ऐसी बात है जिससे लगता है कि जैसे पूरा तंत्र तो कुछ जानता नहीं और लोग चले आ रहे हैं, जबकि पूरा जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है उसके पास सबकी जानकारी होती है, उसको सबका पता होता है, और जिनका उनको पता नहीं होता वहां तो बड़ा शर्मनाक है कि देहरादून में पिछले साल 9 नवंबर को राष्ट्रपति मौजूद थी और वहां एक 15 करोड़ की डकैती हो गई, डाका पड़ गया एक रिलायंस के ज्वेलरी के शोरूम में। अभी 2-4 दिन पहले उपराष्ट्रपति आए हुए थे उत्तराखंड में, और उसी दिन हरिद्वार में कुछ करोड़ों रुपए की डकैती फिर एक ज्वेलरी के शोरूम में पड़ी। तो अपराधी जहां आ रहे हैं, या आए दिन हम देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों के अपराधी आकर के आराम से यहाँ रहते हैं, दूसरे प्रदेश की पुलिस आती है उनको उठा करके ले जाती है, तो जो उस तरह के अपराधी हैं उन पर तो किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो सामान्य मजदूरी कर रहा है उसको हैरान परेशान करने के लिए, उसको दबाव, उस पर दबाव बनाए रखने के लिए, और किसी समय उसको किसी भी घटना में फंसाने के लिए, ये पूरा उपक्रम है जिससे कि ये माहौल बना रहे, और जो राज्य के वास्तविक सवाल हैं, जो जनता के जीवन के जुड़े हुए वास्तविक सवाल हैं, उनमें उन पर किसी पर चर्चा नहीं होने पाए। वरना रोजगार भी लूटा गया तो भाई, जिनको हिंदुओं की इतनी चिंता है, तो उत्तराखंड में जब रोजगार की लूट हुई UK SSSC से लेकर विधानसभा तक, तो किसका रोजगार लूटा पड़े पैमाने पर, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है तो किसको नहीं मिल रहा है, तो इन सारे संगठनों का, या गांव के गांव वीरान हो रहे हैं तो इन सारे संगठनों को इससे चिंता क्यों नहीं होती, भूस्खलन में लोग मर रहे हैं तो उसकी चिंता इन सारे संगठनों को नहीं होती, सरकार को भी नहीं होती, लेकिन अचानक से एक गुस्सा मैन्युफैक्चर करके, एक नकली किस्म का विमर्श पैदा करके और नकली किस्म का भय पैदा करके, एक बहुत ही बहुत कम आबादी, उत्तराखंड में कोई मुस्लिमों की ऐसी आबादी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम आबादी को एक बड़ी आबादी के सामने उसको भय के रूप में प्रस्तुत करना, उसका एक तरह से डेमोनाइजेशन करना, दानवीकरण करना, ये अपने आप में पूरा एक राजनीतिक एजेंडा है, इसके अलावा इसके पीछे कोई और दूसरी बात है ही नहीं। हाँ, तो आपने राजनीतिक एजेंडे की बात की, ये जो डर दिखाया जा रहा है जिस तरह ये जिस इलाके में हुई है चीजें, ये केदार घाटी है रुद्रप्रयाग जिले में, तो भविष्य में, निकट भविष्य में, मतलब केदारनाथ में उपचुनाव होना है, क्या ये चुनावी बिसात तो नहीं बिछाई जा रही है? देखिए, भाजपा की काफी छिचालेदर हुई कि वो अयोध्या के बाद बद्रीनाथ का चुनाव बिहार में, बद्रीनाथ में उपचुनाव हार गई, वो एक तरह से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दे वांट टू लीव नो स्टोन अनटर्ड, है ना, कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ना चाहते कि जिससे केदारनाथ में भी हार हो जाए, तो इसके लिए नए सिरे से ये सब बितंडा खड़ा किया जा रहा है, नए सिरे से उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नए सिरे से डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और असल में उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उनकी राजनीति कुल जमा यही है, अगर वो कहीं चुनाव हारे, जैसे देश के पैमाने पर भी हो रहा है, तो उनको लगता है कि शायद दंगा कराने में कुछ कमी रह गई, तो थोड़ा और दंगा करो, अगर चुनाव जीत गए तो दंगा करके जीते, तो कंसोलिडेशन के लिए थोड़ा और दंगा करो, इसके अलावा तो दूसरी बात है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा विचार उनके पास है नहीं, और इसलिए वो इसी पर निर्भर है, इस और अपनी सत्ता के लिए लगातार समाज में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। वो गोरख पांडे की एक बड़ी छोटी सी कविता है कि इस बार दंगा बहुत बड़ा था, इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। तो ये 3-4 लाइन की कविता बहुत स्पष्ट करती है। इसी उन्माद के बीच एक डेमोग्राफिक चेंज का हवा बड़ा खड़ा किया जा रहा है, हालांकि 2011 से अब तक जनगणना तो हुई नहीं, तो कोई ऐसा डेटा तो है नहीं कि कौन किसकी आबादी कितनी बड़ी है, लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंज का बड़ा जो है हवा खड़ा किया जा रहा है, और आप तो लगातार पहाड़ों में रहे हैं, पहाड़ों में आप संघर्ष आपके हैं, आप वहां देखते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है?
नहीं, इसमें कोई सच्चाई ऐसा सच है नहीं। और असल में तो कल परसों भी एक व्हाट्सएप के ग्रुप में एक संख्या डाली गई, तो उन्होंने लिखा कि साहब किस शहर में मुसलमानों की कितनी आबादी बढ़ गई है। तो जिन्होंने डाला, मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये आंकड़ा कहाँ से आया, इस आंकड़े का आधार क्या है। तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने लिखा वहां कि मेरा एक तरह से मुझ पर तंज कसते हुए कहा कि जहां से जाति जनगणना का आंकड़ा आता है वहीं से आया है। तो मैंने कहा कि जाति जनगणना तो 1931 में हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं, उसके बाद तो मांग है। और मैंने कहा जिन मोदी जी की सरकार के आप समर्थक हैं, 2011 के बाद यहाँ इस देश में जनगणना ही नहीं हो रही है। तो एक तरह से जनगणना का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होना था उसको भी ढकने छुपाने के लिए कि भाई उसमें सरकार विफल, एक मामूली काम है जो सरकार ने नहीं करना है, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे जनगणना, उन्होंने नहीं लोग गिनने जाना है। जैसा वो कहते हैं कि भाई एक अकेला क्या क्या करेगा, तो एक अकेले ने नहीं लोगों को गिनने जाना है, उसके लिए पूरा तंत्र है, पूरी मशीनरी है। लेकिन उसके बावजूद ये गिनती नहीं करना, और इस पर से ध्यान हटाने के लिए और अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के नकली डाटा पेश करना या नकली विमर्श पेश करना। और पहाड़ों में तो कोई आबादी नहीं बढ़ रही, पहाड़ तो खाली हो रहे हैं। देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में या शहरी इलाकों में लोग तमाम तरह के, सभी तरह के लोग आ रहे हैं, उसमें कोई किसी एक जाति किसी एक धर्म के लोग आ रहे हो इस बात की बात नहीं है। पहाड़ से भी सारे लोग देहरादून हल्द्वानी रुद्रपुर हरिद्वार कोटद्वार उतर रहे हैं, और अगल बगल के भी इलाकों से लोग वहां आते हैं। तो ये है। और इसमें लेकिन एक दूसरी बात भी है कि जो लोग ये तर्क पेश करते हैं तो उनके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, कई बार जब ये बहस होती है मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि जिस समय अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया तो उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या से ज्यादा थी क्या, या जिस समय इस देश में मुसलमानों का शासन था, मुगल शासक या अन्य मुस्लिम राजा थे, तो क्या उस समय उनकी संख्या जनसंख्या हमसे ज्यादा थी। इस तर्क से तो ऐसा लगता है कि उनकी जनसंख्या हमसे ज्यादा थी, तो तब उनकी जनसंख्या कम हो गई तो हमको भाई उनको तब हमारे बराबर आना पड़ेगा, कि उनकी पहले शासन उनका था क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा। तो जनसंख्या नहीं तय करती कि इसका शासन होगा, जनसंख्या तय करती होती तो मजदूरों किसानों का राज होता है इस देश में, सबसे बड़ी आबादी उनकी है, दलितों की आबादी नकली हवा झूठा हवा, और अपनी विफलता जनगणना कराने की विफलता को छुपाने के लिए भी एक तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि आंकड़ा तो देखो है कोई ना कोई। ये डेमोक्रेटिक चेंज की जो मैंने बात की उसके दावे पर तो बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा में ही अपनी सरकार को आईना दिखा दिया और कह दिया कि जो डेमोक्रेटिक चेंज है ये वो नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं, बल्कि ये तो वो है कि जो बाहर के लोग जो हैं ओबीसी आरक्षण का लाभ यहाँ पे ले रहे हैं। उन्होंने उस तरह से कहा कि बाद में वो पलट गए, लेकिन विधानसभा के बाहर पलटे, विधानसभा में रिकॉर्ड में उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये। हमारे एक तरह से उन्होंने कहा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कही कि जो कि बड़ी दिक्कत तलब थी। जैसे जो बंगालियों के आरक्षण के संदर्भ में भी उन्होंने कहा खाम खा ओबीसी में वो बंगालियों को घुसा लाए, तो भाई रुद्रपुर में तो उस तराई के इलाके में 1947 से और 1970 तक बंगाली लोग आकर के बसे, उनको भारत सरकार ने बसाया। और आज के दिन पर वो पूर्वी बंगाल जिसको कहते थे पहले और जो आज के दिन पर बांग्लादेश है वहां से आए, तो वो जो लोग हैं उनका और कोई दूसरा राज्य नहीं है, वो बंगाली मूल के जरूर है लेकिन उनका एक ही राज्य है उत्तराखंड। तो अब वो अपनी मांग करने किसके पास जाएंगे। तो लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी ने बिना किसी संदर्भ के ओबीसी की बात करते हुए भी उन बंगालियों को भी लपेट लिया जिनके यहाँ के नमो शूद्र पौंड माझी जो जातियां हैं उनका एससी रिजर्वेशन का मामला है, लंबे अरसे से वो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत बार हमारे यहाँ लोग जानते नहीं है, चूंकि हमारे यहाँ जो लोग राज्य के हितैषी भी हैं वो भी राज्य को कुछ कम जानते हैं, उनको भी नहीं पता कि राज्य में कितनी तरह के लोग रहते हैं, कौन लोग बसाए गए, कौन लोग कब आए, और मोटा मोटा एक आंकड़े के अलावा बाकी सब चीजों के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी। तो उसका इस्तेमाल एक तरह से चौहान जी ने किया, हालांकि चौहान जी के वक्तव्य को लोगों ने कहा बड़ा विद्वतापूर्ण है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए बचाने का वक्तव्य था कि चुनाव तो नहीं कराना है, अभी नगर पालिका का चुनाव नहीं कराना है। हाँ ये जरूर बात है कि उन्होंने उस पूरे प्रोसेस पर सवाल उठाया कि किस तरह से आप ओबीसी की गणना करते हैं, किस तरह से आप लोगों को गिन रहे हैं, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। तो एक तरह से सरकार
उसके उससे कटघरे में खड़ी हुई, लेकिन सरकार का बचाव भी हुआ कि नगर पालिका का चुनाव नहीं कराना चाहती थी, वो रास्ता चौहान साहब ने उनको मुहैया करा दिया। इंद्रेश भाई आखिरी सवाल, तो जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है उत्तराखंड में और हमारी, मैं देख रहा हूँ, मैं तो लगातार सोशल मीडिया पे जो है गालियां भी खा रहा हूँ लोगों की और भीड़ भी रहा हूँ लोगों से, क्योंकि हम इस तरह के समाज नहीं है और ये बताने के लिए मैं बहुत ऊर्जा भी खप रही है अपनी और बड़ा जो है भीड़ जाते हैं कई बार, क्या ये प्रोपेगेंडा मतलब इसका कोई काट है, इसका कोई तोड़ है या ये चलता ही रहेगा ऐसा? नहीं, एक्चुअली देखिए ये प्रोपेगेंडा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको कई बार मीडिया के लोग बना दे रहे हैं। इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं जमीन पर, है ना, और वो सिर्फ हमारे जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, वो आम लोग भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जितनी जगह सांप्रदायिक दंगे जैसी घटनाएं हुई, जैसे पुरोला हुआ या एक बार अगस्त मुनि में भी ऐसा हुआ या किसी समय कहीं और भी हुआ, तो एक तो इनको अगर आप नोट करें तो इसमें अंदर से दंगा कराना अभी भी संभव नहीं हो रहा है बहुत सारी जगहों पर, बाहर से लोग ले जाकर के दंगा कराने की कोशिश होती है, उन्माद पैदा करने की कोशिश होती है, एक पहली बात। और दूसरी बात कि तीसरे चौथे दिन हमारे यहाँ चूंकि लोग अभी भी आम जनता जो है उसमें इतना जहर भरने के बाद भी उसका मानस इतना जहरीला नहीं हुआ, तीसरे चौथे दिन वो इस सबसे उबने लगती है, उबताने लगती है, और इसलिए बहुत बार ये एजेंडा चलता नहीं है। तो ये इसका एक पहलू है, तो इसके खिलाफ भी एक माहौल है, इसके खिलाफ भी लगातार लोग बोल रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लगातार बोलते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, आप करते हैं, हम लोग करते हैं लगातार। और दूसरी बात मैं एक चीज और समझता हूँ कि ये मैं बहुत गंभीरता से इस बात को पिछले दिनों सोच रहा था कि बाहर से जो मीडिया यहाँ इन घटनाओं को कवरेज करने आता है वो नेशनल मीडिया है, और वो एक तरह से जो छुटभैये किस्म के दंगाई हैं, बहुत ही छोटे दर्जे के दंगाई हैं, उनको एक तरह से राष्ट्रीय हीरो बना दे रहा है। मतलब उसकी मंशा नहीं है ऐसी कि उसको दंगाइयों को हीरो बनाना है, उसकी मंशा तो है उसके खिलाफ खबर करनी है, उनको दिखाना है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन ऐसा हो जा रहा है कि भाई एक आदमी जो छोटा मोटा एक इलाके का दंगाई है, जो मैं जानबूझ करके नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत जगह मैं नाम भी ले चुका, लेकिन जो जो है समाज कल्याण विभाग के एससी एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति के घोटाले में जेल गया और उसके बाद जब जेल से जमानत पर छूट करके आया तो उसके बाद ये दंगा कार्यक्रम में लगा हुआ है। मैंने तो जो पिछले वाले डीजीपी थे उनको चिट्ठी लिख करके पूछा कि इसके जमानत की शर्तों में शामिल है क्या, ये इस तरह से दंगा भड़का सकता है, जमानत देने कोर्ट ने इसको कहा है कि भाई बाहर जाकर के ये सब करो। तो वो छोटा मोटा एक है, एक वो स्वयंभू भगवाधारी हैं जिनके पीछे एक आदमी नहीं है, लेकिन पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया उनको ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि जैसे कि वो पता नहीं क्या हो। और मैंने देखा कि पिछले साल ही पुरोला के समय कुछ नेशनल मैगजीन्स के और उसके लोग आए, उन्होंने उनसे भी बात की, मुझसे एक मैगजीन के लोगों ने 3 घंटा बात की। मैंने उनसे मजाक में कहा कि आपको इतना आपने मुझसे बात कर ली है, जब बात शुरू हुई तो मैंने कहा इतना बात की है कि एक विशेषांक छापना पड़ेगा आपको सिर्फ मेरी बात की है ना। लेकिन जब वो छपा तो उसमें वो जो बाबा हैं, वो जो छुटवैया किस्म के गली के दंगाई हैं, उनका तो इतना लंबा चौड़ा महिमा गान हो गया एक तरह से, और मेरी बात एक लाइन में भी नहीं छपी, जिससे समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझको भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या कहा। तो ये भी कई बार अभी भी ऐसा हुआ कि एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी वाले आए, उन्होंने मुझसे भी बात किया, वो दंगाई टाइप लोगों से भी बात किया, और फ्रांस में खबर छपी है उसमें वो दंगाई का फोटो छप रहा है बड़ा बड़ा, इंटरनेशनली लोग हमको टैग करके कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। अरे हमने कहा भाई यही हमारा राज्य नहीं है, इसके अलावा हमारे राज्य में इसके खिलाफ लिखने बोल। तो कई बार ये जो मीडिया हाइप है ये भी दंगाइयों को बड़ा कर दे रहा है और एक तरह से ऐसा माहौल बना दे रहा है कि जैसे कि उत्तराखंड में सिर्फ यही हो रहा हो, उत्तराखंड में सिर्फ यही नहीं हो रहा है बल्कि इसके खिलाफ लोग बहुत खुल करके लिख बोल रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, लगातार बोलते लिखते हैं, ये भी बात है। तो ये कोई अभी भी इसका मुख्य धाराकरण नहीं हुआ है, इनकी जद्दोजहद है कि यही मुख्य धारा हो जाए, तो लेकिन कोशिश करते हैं जमीन पर कि इनको ये मुख्य धारा ना होने पाए। तो इंद्रेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आपसे बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आप उत्तराखंड आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और आप तमाम पहाड़ के हर जरूरी सवाल पर लड़ते रहे हैं और अभी भी जो है डटे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए इंद्रेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू, ठीक।